नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम बात करेंगे पटौदी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी वहां के पूर्व मंडल अध्यक्ष हंसराज सैनी के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर जो किसानों के हित में कोई कानून बनाया है तो इसमें किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति विशेष को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां से हमारे पत्रकार मीर सिंह ने सांसद नायब सिंह सैनी से बात की, तो आप देखिए उस मौके पर नायब सिंह सैनी सांसद ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि हमने किसान की आय को 2022 तक बढ़ाना है, उसी कड़ी के अंदर ये बड़े रिफॉर्म कृषि हित के अंदर आए हैं। अगर ये पुराने वाली व्यवस्था इतनी अच्छी होती जिससे किसान मजबूत होता तो ये आज के नहीं है, तो लगभग आज़ादी के बाद के लगातार की परंपरा की तरफ हम बढ़े हुए हैं। परंतु किसान की हालत लगातार कमज़ोर हो रही है तो उसके जिम्मेवार भी तो कोई लोग होंगे। वो कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार? परंतु नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान खुशहाल हो, किसान अपनी फसल की आज़ादी उसको मिले कि वो कहीं पर भी बेच सके जहां उसको लाभकारी मूल्य मिले। इसको लेकर के ये तीनों कृषि कानून आए हैं और ये किसान हित के अंदर हैं। किसान की आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा। बहुत सारे किसान संगठन देश के इसका समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के पास भी जा करके आदरणीय उन्होंने तोमर जी को कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और कुछ किसान संगठन जो धरना रहते हैं, सरकार ने लगातार उनसे भी वार्ता की है। सरकार के दरवाजे वार्ता के लिए खुले हैं, 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं। सरकार ने कहा है कि आपके पास कोई भी इस बिल के अंदर एक शब्द भी ऐसा लिखा हो कि जिससे किसान का हित होता है, नुकसान होता है, हम उसको जो आप सुझाव देंगे उसको हम बदल देंगे। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर हठधर्मिता है उसके पीछे एक बड़ी साजिशें भी हैं। कांग्रेस पार्टी है, वो नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो और उसके अंदर किसान को कमज़ोर करने के लिए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूत करने के लिए अब कदम उठाए हैं तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है कि जो देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं, उन लोगों का समर्थन करती है। और ये सारा का सारा मामला देश के सामने आया भी है। देखा है, किसान आंदोलन की आड़ में ये लोग देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। किसान का कंधा मिल गया, किसान हमारा आदरणीय है, किसान हमारा सम्मानित है, क्योंकि वो देश का पेट भरने का काम करता है। हम किसान का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। किसान को कोई दिक्कत ना हो उसको लेकर के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उस तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। परंतु कांग्रेस पार्टी और कुछ उसके सहयोगी दल हैं, वो नहीं चाहते कि किसान मजबूत हो, उसको लेकर के वो लोग लगातार एक भ्रम की स्थिति उन्होंने पैदा की है। झूठ बोला है कांग्रेस ने किसानों के बीच में जा करके कि आपकी मंडी ख़त्म हो जाएगी, आपका MSP ख़त्म हो जाएगा, आपकी ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। ये बात कांग्रेस के नेताओं ने किसानों के बीच में जा करके बोली। हमारा किसान बोला है क्योंकि वो काम करता है अपने खेत के अंदर, और वो उस झूठ के बहकावे के अंदर वो कहीं ना कहीं भ्रमित हुआ है। और जो सच्चाई है वो सच्चाई हमने बताई है। अभी अगर आप लोग देखेंगे इस बजट के अंदर भी, जो बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, इस बजट के अंदर भी 1000 नई मंडियों को ई बाज़ार से जोड़ने का प्रावधान इस बजट के अंदर भी किया गया है। और बजट को कृषि के लिए बढ़ाया भी गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग से, जो किसानों के लिए जो एग्रो इंडस्ट्रीज खड़ी होगी वो आएंगे सारे के सारे,
तो उसके लिए भी सरकार ने इस बजट के अंदर अलग से प्रावधान किया है ताकि किसान मजबूत हो। नहीं, ये दरअसल कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस के लोगों को किसान मेरा समझ रहा है। मैंने कहा किसान हमारा आदरणीय है, हम किसान का सम्मान करते हैं, हम किसान को उसके घर पे जाकर के समझा रहे हैं, हम जाकर के बता रहे हैं, किसान को समझ में आ रही है। परंतु कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को समझ में नहीं आ रही। समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी है, कांग्रेस साफ हो चुकी है और अगला जो 2024 का चुनाव है उसके अंदर शायद कांग्रेस का खाता भी न खुले, ऐसी स्थिति होने वाली है। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि आर पार की लड़ाई है, इसको लड़ना चाहिए किसान के नाम। हमने इस बात को बिल्कुल हमने इस बात को बिल्कुल उठाया है। हमने धरना भी दिया था, अभी हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की गुरुग्राम के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके अंदर भी ये प्रस्ताव आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उसको रखा है कि जो SYL का पानी है उसके ऊपर हरियाणा का हक है, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। और हमने तो जब ये संगठन कुछ धरनारत थे उनसे भी ये मांग की थी कि आप लोग इस धरने के अंदर हम आप शामिल हैं तो इसके अंदर ये भी कहें कि हरियाणा को जो SYL का पानी पंजाब से नहीं मिल रहा वो पानी भी हमें मिलना चाहिए। और वो पानी हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये जो जिस ज़मीन के ऊपर मैं बैठा हूँ इस ज़मीन को वो पानी SYL का आकर के यहाँ मेरे किसान को मिलेगा। और जो ये लाखों एकड़ भूमि जो बिना SYL के पानी के पड़ी है इसके ऊपर वो जब वो पानी आएगा तो मेरे किसान की आय बढ़ेगी, उसकी फसल होगी तो वो भी मजबूत होगा। नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ धर्म के आधार के ऊपर जो प्रताड़ित लोग हैं उन लोगों को नागरिकता देने का कानून है कि जो धर्म के आधार के ऊपर पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए हैं, अफगानिस्तान में हुए हैं, बांग्लादेश में हुए हैं और वो वहाँ नहीं जाना चाहते, उनका वहाँ शोषण हुआ है। कौन व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन को अपने घर को छोड़ करके टेंटों में रहना शुरू कर दे, जो कई सालों से लगातार देश के अंदर रह रहे हैं और वो वहाँ नहीं जाना चाहते, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का कानून है ताकि वो भी इस देश के अंदर अपना सर ऊंचा करके जी सके। ऐसे और सीए को तो अभी गवर्नमेंट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जस्ट लाइक एग्रीकल्चर बिल? नहीं देखिए, वो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे सारा काम चल रहा है और उसके अंदर क्योंकि जो इतना बड़ा इन लोगों ने विरोध किया कि ये तो नागरिकता छीनने का कानून है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की है। इसी प्रकार से किसान बिल के अंदर इन्होंने झूठ बोला है कि आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, आपका MSP खत्म हो जाएगा, आपकी ज़मीन के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर लेगा। ये कांग्रेस के लोग किसानों के बीच में जा करके झूठ बोल रहे हैं, उनको बरगला रहे हैं और ये सारा का सारा जो झूठ है उनका वो पकड़ा जा रहा है, वो देखा जा रहा है कि हद होती है किसी बात की इतना झूठ बोलने की। जो झूठ बोलते हैं कि आगे कोई आज किसान हमारा समझदार है, वो सारा समझ रहा है, वो देख भी रहा है, भी ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट लाइक सीए और NRC जो भी था उसी तरीके से इसको क्यों नहीं फिर कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट कर देती कि भाई जैसे उनको ठंडे बस्ते में रख दिया, आप बताइए क्या समाधान हो सकता है? नहीं देखिए मैं इसके अंदर ये बात कहना चाहूँगा क्योंकि जब ये 11 दौर की वार्ताएं चली हैं उस 11 दौर की वार्ता में शायद मंत्री एक मिनट जो 100% ये बिल बेनिफिशियल था तो जो अमेंडमेंट 15-14 जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि राजी हुए तो कहीं ना कहीं लगा ना कि नहीं ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो धरनारत किसान संगठन थे उन लोगों से जो वार्ताएं की हैं उन्होंने जो सुझाव दिए हैं सरकार उनको मानने के लिए तैयार है, ये तो शुरू से कह रहे हैं।